नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरु जी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 की बात करें। सीबीएसई बोर्ड के बचे हुए एग्जाम रद्द, जाने कब और कैसे जारी होगा रिजल्ट। जैसा कि हम बता दें कि सीबीएसई बोर्ड के आपके एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। आपके फाइनल डिसीजन ले लिया गया है कि आपके एग्जामिनेशन नहीं कराए जाएंगे और आपके विकल्प भी दिया गया है 12th क्लास के लिए कि अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सीबीएसई ने आज एक अहम फैसला करते हुए बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। जैसा कि हम बता दें कि आपके एग्जामिनेशन आपके कैंसिल कर दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सीबीएसई ने आज एक अहम फैसला करते हुए बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है। हालांकि 12वीं के छात्रों को एग्जाम देने का विकल्प भी दिया गया है। छात्र एग्जाम देने का विकल्प चुनते हैं तो बोर्ड परीक्षा आयोजित करा सकता है, लेकिन यह तब तक होगा जब तक कि कोरोना वायरस के बिगड़ते हालत सुधरते नहीं हैं। यानी फिलहाल जुलाई में होने वाली बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई ने इन पेपर के रिजल्ट का फॉर्मूला भी सुप्रीम कोर्ट को बताया। क्या है आपका रिजल्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। गुरुवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से पेश हुई सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि 10वीं के बच्चों को परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही स्थिति अनुकूल होती है हम 12वीं की परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित कर सकते हैं जो इस विकल्प चुनते हैं। बता दें कि 10वीं के बोर्ड एग्जाम सिर्फ पूर्व दिल्ली में होने थे, जहां इस साल फरवरी में हिंसा हुई थी। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया रिजल्ट का फॉर्मूला। सॉलिसिटर जनरल ने रिजल्ट का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए कहा, 12वीं के लिए सीबीएसई ने योजना तैयार की है। इसके तहत पिछले 3 परीक्षा परिणामों के आधार पर मूल्यांकन होगा या फिर हालत ठीक होने पर छात्र परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि छात्र आंतरिक अंकों इंटरनल मार्क्स के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रिजल्ट अगस्त के मध्य में घोषित किया जाएगा। क्लास 12 का रिजल्ट जो है आपके अगस्त के मध्य में घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट की योजना के लिए अधिसूचना जारी हो एक समय सीमा देनी होगी, क्या ऐसा किया जा सकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया अधिसूचना कल तक जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि एग्जाम और असेसमेंट मेथड से जुड़ा गया नया नोटिफिकेशन जारी करे। अब कल फिर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होगी। जैसा कि हम बता दें कि आपका 26/6/2020 को फिर से आपके कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें सुप्रीम कोर्ट में कुछ अभिभावकों की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। अभिभावकों ने मांग की थी कि बोर्ड में बची हुई परीक्षाएं जो जुलाई में कराने का फैसला लिया गया है उन्हें रद्द किया जाए। अभिभावकों ने कोरोना वायरस से बच्चों को खतरा बताते हुए मांग की थी, जिसके बाद आज सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया कि 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन 12वीं के बच्चों को पेपर देने का भी विकल्प दिया गया है। अगर वह पेपर देना चाहते हैं तो परीक्षा कराई जाएंगी, मगर यह तभी हो सकता है जब कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाएगा। जैसा कि हम बता दें कि आपके COVID-19 का जब तक आपका नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक आपके 12वीं के एग्जामिनेशन नहीं कराए जाएंगे। जैसे ही आपके नॉर्मल कंडीशन होंगे जो बच्चे अप्लाई करेंगे वैकल्पिक रूप से एग्जामिनेशन देने के लिए उन बच्चों के लिए एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। जैसे ही कोई आपकी लेटेस्ट न्यूज आती है तो इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।